हेलो दोस्तों, दिस इज रमी रेडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत डिमांड के बाद आई है दोस्तों, मतलब हर कोई भी वीडियो डालो उस पर कमेंट, भाई मैनुअल डिकम्प्रेशर के ऊपर वीडियो बनाओ, मैनुअल डिकम्प्रेशर के ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत पहले बनाई थी बट वो ट्रेजेडी ऐसी हो गई, मेरा फोन वोन चोरी हो गया तो वो डाल नहीं पाया। और दोस्तों यकीन मानना भाई, इसके वीडियो बनाने के मूड में नहीं था बट मैंने कहा चलो अब बनाते हैं, क्योंकि भाई ने कई लोगों ने बोल दिया इसके ऊपर बनाओ। दोस्तों इसके बता रहा हूँ मैं नुकसान क्या क्या है, क्योंकि आपसे बोला तो जाता है कि साउंड निकलेगी कैसी, डुक 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 लाइक अ टू वेल टिल्लू पंप वैसी निकलेगी, है ना। तो उसके नुकसान क्या है आपको, क्या मतलब खड़ी करके सुने, गाड़ी ली आपने चलने के लिए है ना, क्या खड़ी करने के लिए आवाज़ सुनने के लिए ली है? तो सच्चा लगा दो भाई, एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा छोड़ दो, आवाज़ें सुननी है। दोस्तों गाड़ी ली जाती है चलाने के लिए, खाली आवाज़ सुनने के लिए नहीं। इसके बता रहा हूँ नुकसान, और एक बहुत बड़ा नुकसान है, मतलब ये बहुत ही बड़ा। तो वो देखने के बाद उसके बाद पता है कुछ लोग बोलेंगे, हो सकता है इसके ऊपर वीडियो भी आ जाए कि भाई ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, इसकी डिटेल दूंगा ये सब दिखाने के बाद, ठीक है ना। इसके बाद जो बातचीत होगी हमारी उसमें दूंगा डिटेल। अभी देखिए उसके अंदर कैसे नुकसान क्या क्या है और गाड़ी के अंदर पिकअप कितना मारा हुआ सब कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हैं वीडियो उसको स्टार्ट। तो दोस्तों बात करें पिकअप की, तो भाई पिकअप बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बस माशाल्लाह। अगर अभी कर रहे हैं ना देखो, पूरा एक्सीलेटर रहने के बाद भी कुछ मतलब गाड़ी उतने प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि भाई पेट्रोल ही नहीं चलेगा तो कहाँ से आएगा। साफ सीधी बात, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ चला के कि उतना है ही नहीं रिस्पांस, थ्रॉटल का उतना रिस्पांस नहीं जितना होना चाहिए। और स्टार्टिंग में और दिक्कत, गलती से आपने डीकम्प्रेशन नहीं दबाया तो दिक्कत। तो भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब मैन्युफैक्चर ने जो भाई लगा के दिया है कुछ सोच समझ के लगा के दिया है, देख सकते हो कि क्या भाई क्या मरी पड़ी है भाई ना, इसकी साउंड निकल लिया भाई स्लो में, बस 12 से चल रहा है टुक टुक टुक। जब गाड़ी चलाने में मज़ा ही नहीं आएगा भाई तो क्या फ़ायदा। उसको लगा के मैं एक बार आपको स्टार्टिंग और दिखा दूँ उसकी, क्या स्टार्टिंग में और जुगाड़ क्या कर रखा है। देखो चढ़ने में मर गई बाइक। तो इसकी सबसे देखिए बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे भी दिखा दूंगा, घिस घिसा के लगाना पड़ता है, वो सब खोल के दिखा दूंगा अभी आपको। और सेकंड चीज़, इसको लगाने के बाद नुकसान पता है क्या है, ये देखो ये कार्बोरेटर निकालती रहेगी बार बार, ये देखो, और ये आएगी फटाक फटाक के बाद। जैसे बाई चांस आपने उसकी टाइमिंग के हिसाब से डिकम्प्रेशन नहीं दबाया तो भाई गई। ऐसे भी स्टार्ट करके देखता हूँ, मैं प्रेशर रिलीज़ करा, ये देखो बैक मार दिया इसने भी, प्रेशर रिलीज़ करा, अभी स्टार्ट करेंगे स्टार्ट हो जाएगी। और गलती से आपके ध्यान से उतर गई तो ऐसी बैक मारने वाली है भाई। तो आप ये देखो कैसे, एक साउंड सुनो भाई, आप अरे छक 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 छक, वो यहाँ से हो रहा है लीकेज एयर। सबसे बड़ा नुकसान बताऊँ क्या है भाई, जो कहते हैं ना बुलेट में आग लग जाना, वो कैसे होता है वो दिखाता हूँ आपको। ये जो होल्स है ना, तो एक काम करो उसके लिए मैं टैंक निकाल लूँ, उसके बाद आप आसानी से लग जाएगा ये, ठीक है ना। इसके टैंक निकालता हूँ पहले। तो दोस्तों टैंक खोल दी है और आप देख सकते हैं अभी मैं इसको निकाल लूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि भाई इसमें सबसे बड़ा क्या कांड कर रखा है, ठीक है ना। मतलब इसको लगाने से पहले तो स्टार्ट करें, इसे स्टार्ट हो चुकी है भाई, मैंने यहाँ ग्लूकोज चढ़ा रखा है इसे, ठीक है ना। अब एक चीज़ नोटिस करना आप, मैं इसके कैमरे की लाइट ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ देखना, यहाँ आग निकलेगी भाई, इस पॉइंट पे ना आग निकलेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखना क्या होगा, वहाँ आग दिख रही है आपको, तो यह है नुकसान इसका। बाई चांस अगर एयर लीक होगी ना भाई, आग फट के आएगी बाहर। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं खोल लेता हूँ, रॉकर कवर खोल के ये निकाल लेता हूँ और दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या कांड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो रॉकर कवर खोल लेता हूँ इसके। तो दोस्तों खोल लिया है और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, रॉकर कवर देखो ये घिस के लगा रखा है, दिख रहा है ना आपको, ये घिस रखा है पूरा। और बगल की इसका तो कम जी सका, एक गाड़ी मेरे पास आई थी भाई उसको तो ये किनारी ख़त्म कर दी थी। अब इसको और खोल लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और उसको निकाल के फिर वापस इसको ऑटोमेटिक डिकम्प्रेशर पे कन्वर्ट करते हैं। और हमें इसके लिए आरएच कवर भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से ऑटोमेटिक डिकम्प्रेशर भी निकल रखा है।
चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी, ठीक है ना। पहले इसका आरएच कवर खोल के इसका डीकंप्रेसर और लगाते हैं इसका ऑटोमेटिक वाला। तो दोस्तों इसका खोल लिया आरएच कवर, देखिए यहाँ होता है डीकंप्रेसर। मैंने इसकी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ चले आना। और ऊपर ये वाला बटन आ गया ना, देखो ये आया पॉपअप, ये जो है ना यहाँ पे क्लिक कर लेना बाद में। तो इसमें दिखाता हूँ क्या क्या सामान नहीं है, लेकिन ना इसका पेच है, ना स्प्रिंग है, ना सी डॉग है, ना इसके पिन है। तो मैं दिखाता हूँ और वो लगाते हैं और फिर इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों ये है सामान इसका, ये सी डॉग है, स्प्रिंग है, पेच है और ये डीकंप्रेसर की पिन है, ठीक है ना। तो ये सारा सामान लगता है, मैं इसको फिट कर लेता हूँ और फिर आपको एक बार दिखाता हूँ। ऐसे इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है तो वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें फ़िट करके बाइक को कंप्लीट करते हैं और आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। तो दोस्तों इसमें लगा दिया है, देख सकते हैं ये सही काम कर रहा है। तो इसको अब फिट करके मैं आपको सीधा इसको फिट करके इसके कॉइल की वायर वायर लगा के, क्योंकि प्लग की वायर भी निकल लगी थी, ये सब वायर लगा के इसको स्टार्ट करके आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, ठीक है ना। और इसको ऐसे मैंने सेट कर दिया है कि मैक्सिमम बाइक इसकी जो है आइडल रह सकती है, बहुत स्लो रह सकती है, ठीक है ना। तो इसको सेटिंग उसके हिसाब से कर दिया मैंने। तो बस अब इसको स्टार्ट करते हैं फिटिंग करके और आपको उसके साउंड सुनाता हूँ और चला के देखते हैं पिकअप कैसा है। तो दोस्तों हो गई है कंप्लीट, मैं आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए पहले तो किक बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है ना। ना डीकंप्रेसर, अब ऑटोमेटिक वाला है। इतनी स्लो भाई बहुत है, देखो हमने ऐसा ट्यून कर दिया, इतना लो आरपीएम रहेगा। देखिए अब जब वो लगाते हैं भाई तो उसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा स्लो रहती है, मगर इतना इनफ है। इसके डीकंप्रेसर उसी हिसाब से सेट कर दिया है, अभी और स्लो हो सकती है, ऐसा नहीं है और स्लो हो जाएगी, मैं और स्लो कर देता हूँ और डीकम से ही पूरा काम करेगा। इतनी बीट बहुत है भाई, और इससे ज़्यादा स्लो क्या लोगे। मैनुअल डीकम्प्रेसर जब ऐसे सेट हो सकता है इतनी स्लो बीट पर, क्या दिक्कत है। मैं इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सेट करना है कि इतनी स्लो बीट आ जाए गाड़ी की, ठीक है ना। बाकी इसमें फ्री फ्लो चलाना था जिसके मैं खिलाफ हूँ। चलिए इसको चला के और देखते हैं, पिकअप वगैरह चेक करते हैं। चलिए दोस्तों इसको निकाल के अब चला के देख लेते हैं पिकअप वगैरह कैसा है, ताकि आपको एक्यूरेट चीज़ बता सकूं। और आपको एक चीज़ बता दूं भाई, इसके अंदर आरडी का हैंडल डाला, कहीं आप बोलो यार ये दूसरी गाड़ी दोस्तों बाइक वही है, आरडी का हैंडल डाला और एक स्विच लगाया हेडलाइट का, क्योंकि इसमें एलईडी लगाई है तो क्लाइंट ने बोला था स्विच लगाने के लिए। वाह भाई क्या, ये तो भाग रही है गाड़ी निकल के। जाहिर सी बात है दोस्तों प्लग पूरा, अगर प्लग दोनों काम कर रहे हैं पिकअप। ओ भाई ब्रेकर पे तो कूद गई है, बढ़िया है। ये देखो अब पूरी हाथ से निकल ली, पहले क्या होता लोड पड़ रहा था क्योंकि पेट्रोल पूरा जल ही नहीं रहा था। तो क्लाइंट को रोड पे चलाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ मैं आपको हैंडलिंग की भी बता रहा था दोस्तों कि इसमें हैंडल डाला हमने RD350 का। होप आप भाई ने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो भाई ये आई बटन आ रहा है ना, देखो अभी आएगा। आजा अबे आजा भाई, कहाँ रह गया। अच्छा मुड़ने के बाद आएगा, अभी तो यार ये मानता भी तो नहीं है आई बटन। आजा भाई, देखो ये आ गया ना, ये रहा। हाँ यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वो वाली हैंडल की वीडियो मिल जाएगी, डेडिकेट वीडियो बना रखी आरडी हैंडल की। भाई सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल हैंडल है, ठीक है। अब क्लाइंट को बाइक देते हैं और पिकअप हो गया बिल्कुल झकास, कोई सी भी गियर में बाइक उठ रही, क्योंकि भाई पेट्रोल पूरा जल रहा है, पूरा बर्न हो रहा है पेट्रोल। तो देखा दोस्तों आपने कि भाई उसके अंदर से निकल रही थी आग। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मतलब जिन्होंने बनाया वो बोलेंगे कि भाई इसको दबा के चलाने के लिए किसने बोला है। मैंने नहीं ये बोला कि आप उसको दबा के चलाओ। दोस्तों पुराने मॉडल के जो बुलेट के हेड है ना, उसको इस हिसाब से डिजाइन हुआ है कि ये जो हवा बाहर निकल रही है ना, ये एग्जॉस्ट के थ्रू निकलती है, तो वहाँ आग नहीं लगती। ये निकल रही है बाहर सीधा गाड़ी रॉकर पे। इन केस पेट्रोल वेट्रोल आजकल VS4 के ना पेट्रोल लीकेज बहुत हो रहे हैं, तो वहाँ से पेट्रोल लीकेज सीधा उस पर आया। और वहाँ अगर आग जब आप प्रेशर रिलीज़ कर रहे हो ना, मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको वो देखनी चाहिए। जब हमारा प्रेशर आ रहा है, पिस्टन ऊपर आ रहा है, इस जगह के प्रेशर आ रहा है,
और जब आप डीकम्प्रेशन दे रहे हो पिस्टन वहाँ रिलीज हो, मतलब एयर रिलीज होकर नीचे आ रही है, जब रिलीज आ रही है वहाँ पे स्पार्क भी हो रहा है, इन केस पेट्रोल की स्मेल, क्योंकि जब अंदर जाता होता है ना इंजन के अंदर पेट्रोल का ओक भला के बूंद भर के नहीं जाता है, खाली पेट्रोल की मतलब स्मेल होती है ना, जो आप ढक्कन खोल के सूंघोगे खाली ऐसे करके, वो चीज़ आती है प्लग के ऊपर। ऐसा नहीं है कि खाली गैसेज जाती हैं, ये नहीं कि भाई पूरा भर के पेट्रोल जा रहा है, तो वो आग पकड़ सकती है जब आप डीकम्प्रेशर कर रहे हो। अगर इग्निशन ऑन है बाई चांस किसी किस्मत खराब हुई ना, लग जाएगी उसकी वाट, ठीक है ना, फिर नहीं रहेंगे शरीर में ना दी ना दात। लाइन बन गई, बढ़िया लाइन बनी है, कोई नहीं। अच्छा अब एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, इसके साथ पिकअप खत्म हो जाता है। अगर करना है ना तो दोस्तों चीज़ सही है, मैं ये नहीं कर रहा भाई मैनुअल डीकम्प्रेशर खराब है, मगर ये जो तरीका है, ये जो डिज़ाइन है, ये बिल्कुल वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। और ये बात जिसने बनाया वो भी जानते होंगे भाई कि भाई ये नुकसान है, जो बताया वो जेन्युइन बताया कि भाई उसकी एयर जो है वो बाहर निकाल रहे हो आप। ओल्ड मॉडल के अंदर हेड के अंदर ही अंदर होल होके वो एग्जॉस्ट के थ्रू निकलती है। सेकंड चीज़ वो उसके लिए रॉकर कवर घिसना पड़ रहा है भाई, और वो टच हो के वहाँ से फस 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 आवाज़ आ रही, वो वापसी नहीं आ रहा। थर्ड चीज़ पिकअप बाइक का डेड हो रहा है, क्योंकि जो इसकी TCI यूनिट है जो प्लग हमारे इस प्लग में करंट दे रही है वो डिवाइड होके जा रहा है, ठीक है ना, तो वो पेट्रोल पूरा बर्न नहीं हो रहा है। अब बहुत से भाई कुछ लोग आएंगे भाई बोलेंगे भाई पेट्रोल जब स्टार्ट हुई तो बर्न तो हो ही रहा है। दोस्तों फ़र्क आता है, मतलब मैनुफैक्चर पागल है, उसने ड्रिल करके भाई मतलब हेड के अंदर दो प्लग लगाएं, मैनुफैक्चर पागल है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई परफॉर्मेंस बाइक है जैसे कॉन्टिनेंटल GT 535, उसके अंदर सिंगल स्पार्क प्लग है, 500cc BS4 EFI उसके अंदर सिंगल स्पार्क प्लग, तो ऐसा क्यों? दोस्तों उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, वो मैं दूंगा इसकी डिटेल वीडियो बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसे भाई एक ही वीडियो में सही नहीं लगता ना, अलग अलग अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने ये लगा रखा है दोस्तों संभाल के चलाओ, अगर आपने लगा रखा है भाई, आपने बहुत से लोगों ने लगा रखा होगा, तो क्या करो आप जब जहाँ प्रेशर आए ना स्विच ऑफ करके फिर रिलीज़ करो डीकम्प्रेशर, ताकि वहाँ आग लगने के कुछ चांसेस ना रहें। बाकी मैं दोस्तों राय नहीं देता, अब भी जाते जाते कह रहा हूँ मैं राय नहीं देता, बिल्कुल भी राय नहीं देता कि आप ये सब लगाओ। बाकी चीज़ आपकी, पैसा आपका, बाइक आपकी, ज़िंदगी तो है ही आपकी, मैं खाली बता सकता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जाके मेरे वीडियोस कहाँ मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ। तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।